तो प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो हमारे पास में आ चुका है अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं का संस्कृत विषय का पूरा असली क्वेश्चन पेपर। देखिएगा इस क्वेश्चन पेपर को मैं अभी अभी स्कूल से लेकर आ रहा हूँ और पूरा का पूरा आपके स्कूल में भी ए टू जेड पूरा का पूरा जो सरकारी स्कूल है ना मध्य प्रदेश के उन सभी में कक्षा 10वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का यही वाला क्वेश्चन पेपर आया है। तो इसलिए आप सभी लोग भी परीक्षा के पहले इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख जाओ, क्योंकि आपके स्कूल में जब परीक्षा होगी ना तो आपको जो आपका टीचर है आपको यही वाला क्वेश्चन पेपर हाथ में पकड़ाएगा। तो इसलिए आप सभी लोग यहां से इसको अच्छे से देख जाओ ताकि आप सभी लोग अच्छे से संस्कृत विषय की तैयारी कर सको और अपनी परीक्षाओं में बहुत अच्छे नंबर लेकर आ सको। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया ना तो आप ये समझिएगा पूरे 75 में से 75 नंबर लेके आओगे भाई साहब आप लोग। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, देखते हो समझते कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं का आपका संस्कृत विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा आया है और आप सबको इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली क्वेश्चंस बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन यहां से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया, जान लिया और समझ लिया। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हो समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं का आपका संस्कृत विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा आया है। ए टू जेड क्वेश्चंस बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहां से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों वैसे तो ये आपका सेट बी है, मगर देखिएगा एएमपी के जो सभी जिले हैं, सभी जिले के जो सभी स्कूल है उन सभी स्कूलों में ये वाला सेट पेपर भेजा गया है भोपाल से। तो इसलिए आप सब लोग यहां से इसको पूरा देख कर जाओ ताकि आप सभी को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, देखते हो समझते हैं आप सभी के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 के संस्कृत विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके टोटल सॉल्यूशन को। टोटली क्वेश्चन बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहां से आपका मिस नहीं होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, आप लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, आप सब लोग पढ़ लें यहाँ से, उचित विकल्पम चित्वा लिखा। तो देखिएगा यहाँ से आपको सभी को उचित विकल्प पढ़ लेने हैं। पहला क्वेश्चन, रामात पदे विभक्ति अस्ति। तो देखिएगा रामात पद में आपकी पंचमी विभक्ति होगी। वयम पदे वचनम अस्ति, तो देखिएगा वयम में आपका बहुवचन होगा। तीसरा क्वेश्चन, पितृणाम पदे विभक्ति अस्ति, तो देखिएगा इसका उत्तर षष्ठी आ जाएगा। राज्ञी राजनी पदे वचनम अस्ति, तो यहाँ से आपको एक वचन लिख लेना है। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, सदाचार एवं परम धर्म अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम अस्ति, तो यहाँ से आपको एव लिख लेना है। छठे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आदो लिखतेषु अव्ययपदम अस्ति, तो यहाँ से आपको कदा लिख लेना है। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग पूरे क्वेश्चन पेपर को देख लो, टोटली क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे कैसे पूछे जा रहे हैं जैसा कि आज मैं यहां से आपको बता रहा हूं। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहां से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया, जान लिया और समझ लिया। तो यहां से आप लोग इस प्रकार से इसको देख ले। क्वेश्चन नंबर दो को पढ़ते हैं जिसमें कि लिखा है, कोष्ट केशु प्रदत्त देशु रिक्त स्थानानि पूरिया, यानी कोष्टक में दिए शब्दों के हिसाब से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पिबामी इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो देखिएगा पिबामी में आपका एक वचन आ जाएगा। भविताम इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति, तो देखिएगा भविताम में आपकी भू धातु होगी। गच्छन्ति इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति, तो देखिएगा गच्छन्ति में आपका लट लकार होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, देखिएगा लट लकारस्य उदाहरणम अस्ति, यहाँ से आपको पठिष्यति कर लेना है। प्राचार्य पदे उपसर्ग अस्ति, प्राचार्य में आपका प्रा उपसर्ग होगा। अवतार पदे उपसर्ग अस्ति, अवतार में आपका औ उपसर्ग होगा। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको समझा दिए। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन तीन को देख लें जिसमें कि आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। अब देखिएगा जोड़ी का मिलान कैसे करोगे, आप सब लोग यहां से इसको देख लें और समझ लें इसको। पहला क्वेश्चन, मनोरथ की जोड़ी का मिलान हो जाएगा विसर्ग संधि से। देगु समाज की जोड़ी का मिलान हो जाएगा त्रिभुवन से। हिमालय में आपको लिख लेना दीर्घ संधि। लंबोधर में आपका बहुब्री समास आ जाएगा। हरिवंदे में आपका हरिम वंदे हो जाएगा। दीन दानम आपको दीनाई दानम यहां से आपको कर लेना है। तो ऐसे आप सब लोग इसको देख लें। अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कि आगे आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो यहां से टोटली क्वेश्चंस बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहां से आपका मिस नहीं होगा। अब इसके बाद में यहाँ से आप सब लोग एक पद में उत्तर को देख लेंगे, ये भी आपसे पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप सब लोग पढ़ लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कत्वतु प्रत्यस्य एकम उदाहरणम लिखत। देखिएगा कत्वतु प्रत्यय का एक उदाहरण आपको बताना जो कि हो जाएगा कृतवान। दूसरा क्वेश्चन, आदाय इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यस्ति, तो देखिएगा आदाय में आपका लेप प्रत्यय होगा। तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बाला इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय, तो यहाँ पर आपको टाप लिख लेना है। अत्र जीवितम कीदृशं जातम दुर्वहम, यहाँ पर आपको लिख लेना है। पाँचवा क्वेश्चन, सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती, यहाँ से आपको बुद्धि लिखना है। पिता पुत्राय बाल्य किम यच्छति, यहां से आपको लिखना विद्याधनम। तो यहां तक के सभी क्वेश्चंस आप लोग देख लें और इनको समझ लेंगे। टोटली ए टू जेड क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आप सभी से परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। टोटली जैसे क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, टोटली आप लोग यहां से इसको देख लें और अच्छे से पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर पांच को पढ़ते हैं जिसमें कि आपसे शुद्ध वाक्यम समक्ष नाम अशुद्ध वाक्यम समक्ष ना लिखत आपसे पूछे गए हैं। तो आप सब लोग यहां से आम और ना को देख लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहला दानवाय पदस विलोम पदम मानवाय अस्ति,
सत्य, तो देखिएगा बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, आम्रम पदस पर्याय पदम रसालम अस्ति, तो ये भी आपका सत्य होगा। उसके बाद में विशाल ग्रामा इत्यस्मिन पदियो ग्रामा विशेषणम पदम अस्ति, या असत्य हो जाएगा। मधुराणी गीतानी इत्यस्मिन पदियो गीतानी विशेष पदम अस्ति, ये भी आपका सत्य होगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस देख लो। पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, सूर्य, यहाँ से आप लोग पढ़ लेंगे, सूर्य पदस पर्याय पदम हिमकार अस्ति, या असत्य हो जाएगा। छठा क्वेश्चन, जलम पदस विलोम पदम नीरम अस्ति, ये भी आपका असत्य होगा। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस आप लोग देख लो, और उसके बाद में देखिएगा बाकी के जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे पेपर में पूछे गए ना, इनको आप लोग कंप्लीट कर लो। कवि किमर्थ प्रकृति शरणम इच्छति, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लें, 7 को देख लें, 8 को देख लें, और उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 ये लिखा है, 10 को देख लें, 11 को देख लें। ए टू जेड क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में ऐसे कैसे आएंगे, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बता दिया प्यारे विद्यार्थियों। साथ ही साथ में एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिएगा आपकी परीक्षाओं के समस्त पेपर पाने के लिए आप लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आप सभी को रियल वाले क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 16 को पढ़ लो पूरा का पूरा, इसके बाद में प्रश्न नंबर 17 को पढ़ लें, और उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 ये लिखा है, उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 ये लिखा गया है, और अगला क्वेश्चन ये लिखे हैं। तो आप सब लोग इसको देख लो, और फिर मैं आपको इसका फुल सॉल्यूशन भी दूंगा। एक भी क्वेश्चन यहां से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको पूरा देख लिया, जान लिया, समझ लिया। तो देखिएगा अगला 20वां क्वेश्चन ये लिखा है, इसको भी देख लेंगे, और 21वां क्वेश्चन ये लिखा है, और 23वां क्वेश्चन ये लिखा है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जा रहे हैं। अब चलिएगा जल्दी से मैं आपको इसका फुल सॉल्यूशन दे देता हूं। तो देखिएगा आपको क्या करना है कि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपकी वार्षिक परीक्षा 2023-24 हेतु आपकी जो प्रश्न बैंक है जारी की गई है वो है। क्योंकि देखिएगा आप सभी लोगों को भी पता है कि आपके जो सारे के सारे पेपर होते हैं ना प्रश्न बैंक में से ही बनाए जाते हैं, तो इसलिए आप लोग एक बार इसको और अच्छी प्रकार से पढ़ लो। तो देखिएगा ये तो आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, यहाँ से आप लोग देख लो ये इन सभी के उत्तर लिखे हैं। वैसे तो पेपर मैंने आपको पूरा बता दिया, और आप चाहे तो इस पेपर का भी सोल्यूशन बना सकते हो, या फिर आप लोग इस प्रश्न बैंक में से भी इन क्वेश्चन को याद करके इसको समझ सकते हो। अब देखिएगा जोड़ी का मिलान आपको ऐसे करना होगा, जोड़ी का पूरा मिलान आप लोग यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लो इस प्रकार से। तो जोड़ी मैंने यहाँ से आपको बता दी पूरी की पूरी, उसके बाद में देखिएगा सभी के सभी उत्तर ये यहाँ पर आपको लिखे गए हैं, आप लोग देख लें इनको। और उसके बाद में देखिएगा एक वाक्य अनुत्तरम लिखत, इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक वाक्यों में देने हैं, आप सब लोग इनको पढ़ लें, समझ लें अच्छे से। और देखिएगा सभी के सभी इनके आदर्श उत्तर लिखे गए हैं, तो यहाँ तक कि आप लोग देख लेंगे इसको। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा ये आपके आम ना लिखे गए हैं, यानी कि सत्य असत्य आपको यहाँ से बताने हैं। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी यहाँ से सत्य असत्य वगैरह को इन चीज़ों को देख लो और अच्छे से इनको समझ लो। तो देखिएगा आगे आपके ये आदर्श उत्तर लिखे हैं, सभी के आम ना कौन कौन से आम है, कौन से ना है, इस प्रकार से आप सब लोग इनको देख लें। और देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, इनकी आपको संस्कृत भाषा में उत्तर देना है। सभी के सभी जो 15 क्वेश्चन है इन सबको देख लें आप लोग यहाँ से, और इनके उत्तर आपको कौन सी भाषा में देना है, संस्कृत भाषा में। तो 15 क्वेश्चन है और 15 के क्वेश्चन के आंसर ये लिखे हैं, तो यहां से आप सब लोग इनको देख लेंगे और अच्छे से इनको समझ भी लें। टोटली क्वेश्चंस और उन सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने यहां से आपको बता दिए। उसके बाद में देखिएगा आपको क्या करना, कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं जो कि आप सबसे पूछे जाएंगे। किसने किससे कहा, ये भी आप सब लोग कंप्लीट कर लेंगे, ये भी आपसे पेपर में परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आप सब लोग यहां से इसको देख लें और ये इन सभी के उत्तर लिखे गए हैं, तो ऐसे आप सब लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लें। और रेखांकित पद के आधार पर आपको प्रश्न का निर्माण करना है, तो इन सभी को देख लें आप लोग और ये इन सभी के उत्तर यहां पर दिए गए हैं, तो ऐसे आप सब लोग इनको कंप्लीट कर लेंगे। और ये अशुद्ध कारक को आपको शुद्ध करके लिखना है, तो अशुद्ध वाक्य ये और इनको शुद्ध करके आप लोग इस प्रकार से पूरा सीख लोगे। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखिएगा ये वाला जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना आपको मैं, ये आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 18 में देखने को मिलेगा, आप लोग इसको पढ़ लें। ये गद्यांश है, इसको आपको पढ़ना है, और फिर नीचे जो प्रश्न लिखे हैं ना इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो देखिएगा इसको पढ़ लें, ये इनके उत्तर लिखे हैं, और चाहे तो आप लोग इस गद्यांश में से ही इन प्रश्नों के उत्तरों को छाट सकते हो। दूसरा गद्यांश ये लिखा है, इसके उत्तर ये लिखे हैं, तो आप लोग दो गद्यांश कंप्लीट कर लो। और इसके बाद में देखिएगा आपका जो क्वेश्चन नंबर 19 होगा ना, उसमें इस प्रकार से आपसे एक पद्यांश पूछा जाएगा जो कि ये लिखा है, व्यायाम ही सदा पत्यो। तो यहाँ से आप सब लोग इसको पढ़ लें, तीन क्वेश्चन इसमें से पूछे, तीनों के उत्तर ये लिखे हैं। उसके बाद में देखिएगा अगला ये लिखा है, यहाँ से आप लोग देख लें, ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए, तीनों के उत्तर ये लिखे हैं। तो यहाँ से आप लोग प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से इसको पूरा समझ लें। और एक ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 19 में, ये बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा, गुणी गुणम व्यक्ति। तो देखिएगा इसमें से तीन क्वेश्चन पूछे गए, पहला दूसरा तीसरा, तीनों के उत्तर ये लिखे, यहां से आप लोग कंप्लीट कर लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी ए टू जेड क्वेश्चंस मैंने आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवा दिए हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प मिल जाएगी, और पूरा का पूरा जैसा मैंने आपको हिंदी का पेपर दिया था वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका ये रहा। आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर कर दें, और साथ में चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।